4.5 सिलेंडर लॉन्ग से जाने का बड़ा मजा आया। गर्मी किस तरह से आ गई है पता नहीं, मतलब आई थिंक मैं बेंगलोर में 10 साल से हूँ एंड आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड अ ईयर जिसमें इतनी गर्मी हो। ये तो मतलब आग उगल रहा है। आप सोच सकते हो कि मैं एयर में नहीं हूँ, आई एम जस्ट वेयरिंग माई ग्लव्स, इट इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन। Friends, welcome back to the channel once again. I hope you guys are doing absolutely fine. This is your friend Gaurav. I know I've not been vlogging for last 3 weeks. Actually, मेरे पिछले 3 weeks से I was really busy. And day before yesterday, I was just going through my emails and WhatsApp, and I saw a note from Ayush from Honda, and he informed that 650R is in the showroom, CBR650R. In the showroom and invited me to check that out. So yeah, मैंने सोचा कि 3 वीक से कुछ काम तो किया नहीं हूँ व्लॉगिंग का, तो वाई नॉट एक काम करते हैं, सैटरडे को आयुष से मिलते हैं एंड चेक आउट द CBR650R, वहाँ जाके देखते हैं वॉट बेस्ट वी कैन डू। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग साइड बाई साइड कंपेरिजन ऑफ द 650F एंड 650R and then take it from there, because at this point in time I don't see that I'll be getting a test ride. 3 days pehle I was riding this bike in heavy rain aur mujhe kuch noise aa raha tha, if you can just check out, here it is. So ye noise jo aapne dekha, ye mujhe samajh mein nahi aa raha tha ki ye noise aa kahan se raha hai, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैंने अपना BMC फ़िल्टर लगाया है एंड बारिश में कहीं कुछ पानी वगैरह चला गया होगा। यू डोंट एक्सपेक्ट कि इसके अंदर कवर के अंदर BMC फ़िल्टर के अंदर पानी जाएगा और उससे नॉइज़ होगा। आई वॉज रेडी कन्फ्यूज कि ये आवाज़ क्यों आ रहा है, बिकॉज इट वॉज़ नॉट कमिंग वेन आई वॉज रेविंग द बाइक, इट वॉज ओनली कमिंग वेन आई वॉज इन न्यूट्रल और जस्ट स्टार्टिंग द बाइक। बट आई शेयर दिस विथ द CBR650F राइडर ग्रुप and I was really surprised that the answer that I got was that the noise is coming from this MRA windscreen. It has that rattling negative point, it rattles sometimes, you have to put in some plugs to make it steady and all. So aaj jab silicon honda jaunga to I'll get this also rectified, बिकॉज थोड़ा इरीटेटिंग आवाज़ है, कर कर कर, इट इज़ नॉट गुड, सो दैट विल डू। अदर देन दैट आई एम हैप्पी, अभी तक तो कोई इशूज़ नहीं है बाइक में, ऑल हैप्पी, मस्त बाइक है यार। अभी 650R देख के देखते हैं कि, मुझे लगता है ये थोड़ा बल्की है, बट स्टिल लेट्स सी ये 650R अच्छा है कि या 650F अच्छा है। Sir, how are you? Sir, we are live. Live? We are recording. We are live. Log, everything is recorded. Do. हाँ, sorry. नहीं उधर नहीं उधर. हाँ ओ, कोई टेंशन नहीं लो, खरीद लूँगा मैं. हाँ. You are swiping the bike. Now.
I'll pay the difference to Ayush and take the difference. Difference, yeah, exactly. 7 plus the difference. Correct, yeah. Is it? Yeah, it would go last, go 2 point something lakhs, right? 2.62. सच में क्या सच में सच में अभी ले लूँगा तो ले लो ना anything दूसरे कस्टमर को क्या है अभी गाड़ी नहीं आया बोलने का बाइक बाय शाम हाँ बाय शाम कितना एक हुआ आपका किलोमीटर हिटिंग 15,000 किलोमीटर तो ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं 14,600 तो ये है ब्यूटी per minute. Okay. So if your RPM is at 2000, for example, if I start the bike, the RPM is at 1800. It will come down to 1250 after 3 minutes. Okay. 1250. Once the oil circulates completely into the engine starts bleeding much better and becomes more powerful. So if you see, it keeps fluctuating. It slowly drag. आ गई सामने से दोनों बाइक एक साथ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू वुड बी सीइंग इट CBR650R तो यार तहलका मचा रही है मिनी फायरब्रिड लग रही है सुपर्ब लुकिंग CBR650F भी इज नॉट फार बिहाइंड फ्रंट ब्रेक डिस्क आई थिंक 650F में पेटल डिस्क है उसमें प्लेन डिस्क है USD फोक्स गोल्ड कलर लुकिंग ऑसम ओवरऑल 650F इज नॉट दैट फार बिहाइंड कमिंग टू द बैक मुझे ये लगता है कि 650R का जो बैक सीट है इट इज़ नॉट दैट स्लीक लुकिंग 650F का विद दैट काउल डेफिनेटली अच्छा लग रहा है मुझे आई एम रियली लाइकिंग इट LED इंडिकेटर 650R के सुपर्ब है बट आई डिडंट लाइक द टेल ऑफ 650R भाई बड़ा गोल गोल टाइप का लग रहा है बट 650F देखो इट इज़ लुकिंग मच मोर स्लीकर Overall, I think back side of 650F is better. Seat 650F का मुझे अच्छा नहीं लगा 650R का सॉरी मुझे अच्छा नहीं लगा अलॉयज सिमिलर है ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें स्टिकर्स लगे हुए आ रहे हैं 650R का मैंने वो खुद से लगाया है अपने बाइक में 650F में बाकी मैकेनिकली कुछ चेंजेस नहीं है पॉकेट्स एंड ऑल इज दिस इज़ इन ब्लैक कलर माइन इज़ इन वाइट गोल्ड कलर Overall, 650F is a better looking from behind. I must say that.
मुझे एक चीज़ और लग रही है कि जो 650F की जो फेयरिंग है वो 650R से थोड़ी बड़ी है। अगर आप साइड में देखोगे तो ये देखो, आप साइड में अगर आप देखो तो जो 650F की जो फेयरिंग है वो टैंक के ऊपर कवर अप कर रही है एंड, और 650R में आप देख रहे हो वो चैसी आपको दिख रही है। इफ़ यू सी फ्रॉम दिस एंगल, देखो 650F की चैसी के ऊपर से कवर अप करके टैंक को मिल रही है फेयरिंग, बट 650R में वो चैसी तक ही है और चैसी आपको ब्लैक कलर की दिख रही है और फेयरिंग वहीं पर रुक जा रही है, और टैंक भी थोड़ा स्लीक लुकिंग है, बेटर हगिंग पॉसिबिलिटी है, बट 650F का टैंक थोड़ा बड़ा है। फ्रंट में वापस आके मुझे ये लग रहा है कि जो टायर हैं 650R के वो थोड़े सेम टायर हैं बट थ्रेड डिफरेंट है, बट ओवरऑल जो कलर है वो 650R का डेफिनेटली अच्छा है, वो ग्रैंड प्री कलर है फायर ब्लेड का, सो इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। बट ओवरऑल MRA स्क्रीन आप देख लो, विंड स्क्रीन 650F में अच्छा लग रहा है। आई थिंक आई एम लाइकिंग इट, एंड इफ़ यू आर ऑल्सो लाइकिंग इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू हैव लाइक द कंटेंट टिल नाउ। तो यस, एवरीथिंग इज डन। बाइक का जितना भी रैटलिंग इश्यूज था दैट इज टेकन केयर ऑफ। बाइक इज वेरी स्मूथ। थोड़ा वॉशिंग भी करा दिया मैंने और ये एक ग्रिप भी लगवा दिया है, दिस इज रियली गुड। इससे क्या है कि आई कैन डू अ वेरी लॉन्ग सिटी राइड विदाउट एनी ग्लव्स, सो दिस इज रियली कम्फर्टेबल नाउ। तो ये लगवा दिया, और आपने तो देखा ही होगा CBR650R एंड CBR650F का कंपैरिजन। आई कुडंट गेट द टेस्ट राइड, जो मैंने आपको बोला था बाइक है ही नहीं सिलिकन होंडा के शोरूम के लिए। द बाइक दैट वाज देयर जिसका मैंने वॉक अराउंड दिया, जिसका मैंने कंपैरिजन किया, दैट वाज फॉर वन ऑफ द कस्टमर, एंड टेस्ट राइड इज़ नॉट पॉसिबल अंटिल अनलेस दैट कस्टमर टेल्स यू टू डू अ टेस्ट राइड। So test ride is not possible at this point in time in Bangalore, but I think the moment the person buys, he would be coming into the group of CBR650, and once that is done, we can have a test ride. So I think I'll plan to get a test ride of CBR650R soon before Silicon Honda in Bangalore gives. So let me know which one out of two you liked it. So until next time, keep rocking guys, enjoy the present, plan for future, and don't bother about the past. Bye bye.